लुम्बिनी स्टेडियम में करवाए जा रहे रुद्राक्ष क्रिकेट कप टूर्नामेंट के छठे दिन का आगाज धूमधाम से किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर की दो टीमों में मुकाबला हुआ। वहीं इस रोमांचक मुकाबले में कठुआ ने नगरी की टीम को 6 विकेट से परास्त किया। वहीं अध्यक्ष गगन ठाकुर के नेतृत्व में करवाए जा रहे टूर्नामेंट के छठे दिन के मैच का उद्घाटन व्यापारी राहुल और पंकज ने किया। वहीं आए हुए मुख्य मेहमानों का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथियों ने रुद्राक्ष क्लब द्वारा किए जा रहे इस कार्य की सराहना की और उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यों से युवा पीढ़ी खेल की ओर अग्रसर होती है और अपने माता पिता का नाम रोशन करती है। वहीं अंत में आए हुए अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। रुद्राक्ष क्रिकेट टीम ने सानू सम्मानित किया, मैं उन्होंने का बहुत दिलों धन्यवाद करना और जो भी कर रहे हैं बहुत वधिया कर रहे हैं, क्रिकेट नू अगे लैके जा रहे हैं और साडे जिहड़े अजकल पंजाब दे विच नशा बहुत ही वध गया उन्हों दूर करन लई सानू क्रिकेट और सानू जवान नू मौका मिलना चाहिए खेडन दा, वो साडा शरीर जिहड़ा तंदुरुस्त रहे ते जिहड़े साडे वधिया प्लेयर खेड रहे ना उन्हां नू इंटरनेशनल खेडन ते मतलब कि इंटरनेशनल तक जाण लई उन्हों मौका मिले और जिला दा नाम रोशन करे। क्रिकेट टूरनामेंट दा अज 6वां दिन जिस विच मिठू 11 कठुआ ते नगरी 11 कठुआ दे विच मैच खेडिया जा रहा है, जिहदे विच अज दे साडे मुख मेहमान हन मिस्टर पंकज ते मिस्टर राहुल जी जो कि समाज सेवी है ते जिहड़े इहना जिहड़े भी टूरनामेंट हुंदे जां खेड प्रोग्राम हुंदे आ इहना विच वध चढ़ के वह हिस्सा लैंदे आ तां कि जिहड़ा नवां युवा है वह इहदे च पार्टिसिपेट कर सके ते नशे तों दूर रह सके। धन्यवाद। पठानकोट से कैमरामैन अभिषेक भारद्वाज के साथ अजय सैनी की रिपोर्ट।